हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जब स्टेट को हटाया गया और पिछले साल दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो जब ये यूनियन टेरिटरी बना दी गई तो बहुत सारे कानून जो है वो सेंटर के सारे कानून यहाँ लागू हुए और स्टेट के कानून जो है उनको बाइंड अप कर दिया गया है। तो उसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय आ रही है वो मेडिकल असिस्टेंट, जो 20,000 मेडिकल असिस्टेंट जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और उसमें कुछ कर रहे हैं अभी, तो उनको बहुत मुश्किल में आगे, वो बहुत प्रॉब्लम उनको खड़ी होगी, क्योंकि इस समय जो है पहले यहाँ स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल थी तो उसमें जो है ये रजिस्टर कराते थे डिप्लोमा होल्डर अपने आप को और अपनी शॉप्स खोलते थे और अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती थी। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बनी है तो सेंटर का जो कानून यहाँ लागू हुआ है, खासकर जो इनका मेडिकल फार्मेसी जो है सेंटर की जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो यहाँ कानून लागू हुआ है और उसमें मेडिकल असिस्टेंट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही है। तो ये जो है जो मेडिकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा किया हुआ है, वो कम से कम 20,000 है और वो मुश्किल में पड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय अनएम्प्लॉयमेंट है और COVID-19 जो है भी चल रही है, COVID-19 जो फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और इस समय मेडिकल असिस्टेंट की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन जो बेचारे किए हुए हैं, जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की हुई, उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही संगीन मसला है, बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है जो मेडिकल असिस्टेंट हैं उनके साथ, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, कि उनको रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फार्मेसी जो है उसमें जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, क्योंकि ये जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं ये सारे गरीब परिवार से हैं। कोई भी अमीर परिवार का डिप्लोमा नहीं करता है, जब वो गरीब परिवार में होता है उसके पास इतना जरिया नहीं होता, पैसा नहीं होता कि वो हायर डिग्री जो है प्राप्त इंजीनियर बने या और डिग्रियां प्राप्त करे, तो वो मेडिकल असिस्टेंट की डिग्री लेता है, डिप्लोमा लेता है कि अपना आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेगा और अपनी शॉप खोलेगा। लेकिन उन गरीब डिप्लोमा होल्डर को रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये फिर एक बार कहना चाहता हूँ, J&K गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, हायर अथॉरिटी से कहना चाहता हूँ, LG साहब से कहना चाहता हूँ कि उनकी रजिस्ट्रेशन जो है फौरन जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, क्योंकि पिछले कई महीनों से 6 महीनों से वो प्रोटेस्ट पे हैं, कोई उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात नहीं सुन रहा है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है की जाए।